गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 16, डेट इज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ओपन पेज नंबर 161 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हेयर इन रिसाइकलिंग, री मीन्स फिर से, यूज करना, डेट इज बाय अ साइक्लिक प्रोसेस। जैसे हम कोई भी पेपर यूज करते हैं, लाइक आपकी फेयर नोटबुक्स या रफ नोटबुक पे जो भी पेजेस होते हैं ना, उनको हम यूज करने के बाद वो ओल्ड नोटबुक्स हो जाती है नेक्स्ट टर्म में हमारी वो। तो आपको तो यही लगता है कि वो पेज हमारे लिए अब वेस्ट है, बट ऐसा नहीं होता। इवन उनको रिसाइकिल किया जाता है ताकि फिर से उन्हें यूज किया जा सके। ओके, और ओनली आपकी नोटबुक्स ही नहीं, बल्कि ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, यूज्ड एनवलप्स और एनी अदर पेपर कैन बी रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग प्रोसेस of them। One question arises here कि जो ये recycling process है, ये होता कैसे है? इसके लिए मैं आपको एक short video भी दिखाती हूँ, फिर इनको explain करती हूँ। Okay? See carefully। Firstly, tear the paper into small pieces। अब कट किए हुए पेपर को किसी भी टब में या बकेट में फिट करना है और उनको वापस से हम उनको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। बोतल में डिप करना था ना हमें उसे। अब डिप करने के बाद इन्होंने क्या किया है, उन सब पीसेस को हमने जिनको मैश कर लिया था अच्छे से, उनको हमने वापस से पानी में डिप करना है और किसी भी जाली की हेल्प से या कोई प्लेन, हम जहाँ से हमारे पास उनका पानी निकल सके या कोई भी प्लेन पेपर हो, वहाँ से हम उन्हें क्या करेंगे, उनमें रखेंगे, एक लेयर बनेगी वहाँ पे पेपर की और उसमें से हम वाटर को सोक कर लेंगे किसी भी क्लोथ की हेल्प से। फिर उन्हें हम क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर कहीं पे भी उन्हें सुखाएंगे अच्छे से और फिर हम उन्हें अलग कर लेंगे और एक नोटबुक रेडी हो जाएगी हमारी। ओके, सो इस तरह से हम न्यू टाइप्स के पेपर को बना सकते हैं हमारे पुराने पेपर की हेल्प से, और इन्हें हम साइड से कट भी कर सकते हैं ताकि एक न्यू शेप मिल सके हमारी न्यू नोटबुक को। इस प्रोसेस में हम फूड कलर भी यूज कर सकते हैं कलर्ड शीट ऑब्टेन करने के लिए। आप ये प्रोसेस अपने घर पर भी कर सकते हैं, ट्राई करना है। ओके, एंड उनकी जो आपकी नोटबुक्स की बनेंगी उनकी पिक्स सेंड करना, होपफुली आप बहुत अच्छे बनाएंगे और उन्हें फिर रीयूज भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी जो आपकी यूजेबल पेपर ना हो, पुरानी नोटबुक्स हो या तो या फिर पुराने न्यूज़पेपर हो, उनका आपने यूज़ करना है। ओके ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक्स बून और अ कर्स। प्लास्टिक क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल्स हैं या नहीं है, फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए। कुछ जगह गवर्नमेंट ने बैन भी किया हुआ है प्लास्टिक पे, राइट? वो क्यों किया है? बिकॉज प्लास्टिक हार्मफुल होगी तभी बैन किया होगा ना। सो इसी टॉपिक को हम स्टडी करते हैं कि क्या है प्लास्टिक। हम ओनली कुछ टाइप के ही प्लास्टिक्स को रिसाइकिल कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं। इट मे बी अ लिटल डिफिकल्ट टू इमेज आउट लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स, राइट? हम अपनी लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते ना कि हम विदाउट प्लास्टिक के रह सकते हो, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं एज एन प्लास्टिक, मीन्स जो चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती हैं हम यूज़ करते हैं ना, लाइक टॉयज, शूज, बैग्स, पैंस, कॉम्ब्स, कॉम्ब्स मीन्स कंघी होती है जो, टूथब्रशेस, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स एट्सेट्रा, सो ऑन, मैनी थिंग्स आर देयर। इवन बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक टीवी, रेडियो, स्कूटर, कार एट्सेट्रा,
जिसे प्लास्टिक प्रोडक्ट जिसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट का भी हम यूज़ करते हैं, राइट। क्योंकि जैसे हमारे जो रिमोट्स होते हैं या टीवी, उनके कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई पार्ट ऐसा होता है जो प्लास्टिक का बना होता है। हम सारा सारा पार्ट नहीं बना होता, ओनली कुछ पार्ट प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। बट प्रॉब्लम प्लास्टिक यूज़ करने में नहीं है, बल्कि एक्सेस में यूज़ करने से है। एक्सेस में मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने में, बिकॉज प्लास्टिक हार्म करती है, हार्म मीन्स नुकसान पहुँचाती है हमारे एनवायरनमेंट को। अब हार्म कैसे करती है, हमने लास्ट लेक्चर में नॉन यूजफुल थिंग्स के बारे में स्टडी किया था, राइट। जिनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन यूजफुल थिंग्स। और जिन्हें हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी हम क्या कहेंगे, नॉन यूजफुल थिंग्स, राइट। सो ये हार्म करते हैं, अब वो दोबारा से यूज़ ही नहीं हो पाएंगे, या फिर वो गल नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते, तो भी वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक हैं, हार्मफुल हैं। इवन हम फूड आइटम्स को पैक करते हैं प्लास्टिक के टिफ़िन में, राइट। जो आपका टिफ़िन बॉक्स होता है, लंच बॉक्स होता है, जो भी आप लेकर आते हो स्कूल में, वो कुछ स्टूडेंट्स का आपने ऑब्जर्व किया होगा प्लास्टिक का होता है, वो नहीं होना चाहिए। या फिर हमारे घर में भी कुछ थिंग्स ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। पता है क्या होता है, प्लास्टिक भी मतलब वहाँ पे कुछ टाइम नुकसान करती है, कुछ टाइम नहीं करती है। वो कैसे होता है, जब प्लास्टिक हीट होती है, मींस गर्म वाली जगह पे होती है ज़्यादा, तो वहाँ से वो मेल्ट होके उसकी स्मेल हमारे फूड में चली जाती है या कहीं पर भी, तो वो क्या कहेगी, हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, हम उसे खा लेंगे, और फिर उससे क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारियां होने लग जाती हैं। तो इसीलिए आजकल के टाइम में कैंसर की जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुराने टाइम के। सो आपने ध्यान रखना है, कभी भी आप ट्रैवलिंग के टाइम पे स्पेशली कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने क्या करना है, प्लास्टिक बोतल में पानी को नहीं डालना। क्यों, क्या होता है, गर्मियों के टाइम में स्पेशली पानी क्या होता है, उसमें गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, सनलाइट की वजह से। तो प्लास्टिक का भी कुछ ना कुछ केमिकल जो होता है वो हमारे पानी में मिक्स हो जाता है, और वो हम पीते हैं, और पीने के बाद हमारे टमी में जाएगा वो, और हमें क्या करेगा, हार्म करेगा। सिमिलरली बहुत सारे, जैसे हमारा कोई खाना है वो फर्स्टली तो गर्म किया होता है ना, गरम गरम हम पैक करते हैं, या तो बिल्कुल ठंडा करने के बाद पैक करो उसे, या फिर बिल्कुल गरम हमने पैक किया है, तो उससे हमारी प्लास्टिक मेल्ट होगी कुछ ना कुछ पॉइंट, बहुत हल्की सी होती है, लेकिन क्या होता है, केमिकल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। आपने क्या सोचा है, ये टिफ़िन किस प्लास्टिक से मिलकर बने होंगे, कभी सोचा है इसके बारे में, रिसाइकिल कैसे होता है, मीन्स प्लास्टिक बैग्स का। जो रैक पिकर्स होते हैं, रैक पिकर्स मीन्स जो कूड़ा कचरा चुगने वाले होते हैं ना, जो पीपल मतलब आपने आपके घर के आसपास भी देखा होगा, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स को यहाँ वहाँ से, इवन पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के अपने कलेक्ट करते हैं, और उसे सेल बेच देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो प्लास्टिक रिसाइकिल होती है, और उनसे हमारी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, चीपली बनाई जाती हैं, जो थोड़ी सस्ते में बिकती हैं, ठीक है। और कहाँ से, इवन कहीं से भी बनी हो, मीन्स वो हार्म करती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो रोड साइड पे होते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग्स में से कोई भी हमारे घर का वेस्ट होता है वो फेंक देते हैं रोड के साइड पे, या फिर हम चलते चलते भी कुछ लिया है, हमने परचेज किया है, उसको खाने के बाद हमने वहाँ पे उसको फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे, और वहाँ पे क्या होता है, कोई भी जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, काऊ है स्पेशली, डॉग्स हैं, वो वहाँ से उसे खाते हैं, और वो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन बैग्स होता है उनको भी ईट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो भी बीमार होते हैं, वो भी बहुत गलत है, राइट। नेक्स्ट, जो ड्रेन्स हैं, या फिर हैवी रेन के टाइम पे क्या होता है, वो चॉक्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों, नाले वगैरह होते हैं बंद हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह होते हैं वो सारे फंस जाते हैं, आगे वो पानी के फ्लो को रोक लेते हैं, जिससे क्या होता है, पानी का फ्लो भी अच्छे से नहीं हो सकता, और वाटर है वो स्पेल्स आउट हो जाता है रोड पे, चारों तरफ पानी भरा होता है ना, और इसका मेजर डिफेक्ट क्या होगा, कभी कभी फ्लड भी आ जाता है, मीन्स बाढ़ भी आ जाती है। सो हेयर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज अवर यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड डील विद गार्बेज।
इट्स ऑन पेज नंबर 163 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स दिखाए हैं, बहुत अच्छे से इनको रीड करते हैं हम। फर्स्टली ये क्या करते हैं, मिनिमाइज यूज़ कर सकते हैं हम प्लास्टिक का, मीन जहाँ जहाँ पे हमें बहुत कम यूज़ करना हो। प्लास्टिक का हर जगह यूज़ मत करो, मतलब जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट हो वहाँ पे यूज़ करो। नेक्स्ट, शॉपकीपर्स जो पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं उसके जगह पेपर या फिर क्लोथ के बैग्स को प्रेफर करें, उनका यूज़ करें। और कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें हम प्लास्टिक बैग्स में ना स्टोर करके रखें। और प्लास्टिक बैग्स को हमने क्या करना है, थ्रो नहीं करना है हेयर देयर कहीं पे भी, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो एनिमल्स ईट कर लेते हैं उसे। और प्लास्टिक को भी कभी भी बर्न नहीं करना चाहिए, बर्न मीन्स जलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और पॉल्यूशन से क्या होता है, वही धुआं होगा, वो भी हम इनहेल करेंगे और एनवायरमेंट को भी प्रॉब्लम होगी उससे, हमारे पॉल्यूशन बढ़ जाएगा उससे, ठीक है? और हमने जो हमारा गार्बेज हम थ्रो करते हैं वो कभी भी प्लास्टिक की बैग्स में रैप करके नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है, वर्मी कंपोजिटिंग करनी चाहिए हमें घर पे। जो भी हमारा किचन का वेस्ट होता है उससे डील हमें करना आता है ना, वर्मी कंपोजिटिंग हमने टॉपिक स्टडी कर लिया है तो हमें वो करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए पेपर को जितना हो सके हमें। ये आपने ट्राई भी करना है घर पे, ओके? रिसाइकिल पेपर करोगे ना आप घर पे आपके, आज आपने ट्राई करना है। इससे क्या होगा, आपकी एक न्यू नोटबुक और एक अच्छी सी नोटबुक प्रिपेयर भी हो जाएगी, उसको आप रफ नोटबुक में, रफ वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज, वी यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट। हमने दोनों साइड के पेपर को यूज़ करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राइट साइड को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर लिखना बहुत अच्छा लगता है, और लेफ्ट साइड को देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मतलब फ्लो नहीं बनता है, और अच्छा राइटिंग का भी थोड़ा सा वो आ जाता है। सो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, आपने दोनों साइड को ट्राई करना है कि आप दोनों साइड से यूज़ कर सके आपकी नोटबुक की, ओके? और आपने आपके लिए नहीं ट्राई करना है, आपके फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स सब उनको डिकम्पोज कर सके, जो भी प्लास्टिक की हैं या फिर पेपर हैं, सब कोई भी चीज़ है जो भी वेस्ट है, गार्बेज वगैरह इधर उधर नहीं फेंकेंगे। जो भी आप इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो वो करोगे, ठीक है? होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। थैंक यू।